माध्यम से वो लोगों को घर घर जाके उनका सर्वे करेंगे और कभी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उसकी जानकारी आप लोगों को भी मिलेगी। इससे आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा स्वास्थ्य बहुत फायदा है, इससे रियल टाइम डाटा मिल जाता है। जैसे बात करें अभी आप लोग जो शूट कर रहे हो इस तरह से इसी समय कोई लाइव देख सकता है। ये इस तरह की एक ऐप है जिसे इंदौर COVID-19 ऐप कहा गया है। इसमें जो हमारी आशा कार्यकर्ता के साथ में अन्य टीम जा रही है वो जाकर इसी ऐप में किसी कागज का इस्तेमाल ना करते हुए ऐप में ही डायरेक्ट एंट्री करती है। यदि उन्हें कोई संदिग्ध मिलता है जो उनकी नज़र में संदिग्ध होता है जिसे संभावना हो किसी तरह के लक्षण हो उनको डॉक्टर्स को तुरंत कॉल करना रहता है या अपनी ANM को बताना रहता है तो इस ऐप के माध्यम से रियल टाइम में खबर हो जाती है और वो डॉक्टर जाके उनको चेक भी कर लेते हैं। सर रिपोर्टों में सर कल का आंकड़ा क्या रहा? कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें से 7 पॉजिटिव आई थी और उसके बाद अपने जिले का टोटल जो आंकड़ा है वो 897 तक पहुंच गया है। सर कुल कितने सैंपल जांच के लिए भेजे गए? कल 233 सैंपल इंदौर जिले की जांच को भेजे गए थे जिसमें 38 सैंपल का टेस्ट लगा था और उसके बाद की संख्या मैंने आपको बताई थी 897 पे हम लोग पहुँच गए। 7 इंदौर के पॉजिटिव थे बाकी अन्य जिलों के पॉजिटिव थे। सर मौत का आंकड़ा क्या है? और कल 4 डेथ रिकॉर्ड की गई है जो कोरोना पॉजिटिव थी उसके बाद मौत का आंकड़ा भी 52 हो गया है। सर जिन लोगों को गार्डनों में इधर उधर जो रखा उनके सैंपल जो ले रहे हैं इनकी रिपोर्टें कब तक क्या आएंगी? अभी थोड़ा सा बैकलॉग ज्यादा होने के कारण रिपोर्ट में 5-6 दिन का समय लग रहा था किंतु अब वो बैकलॉग लगभग क्लियर हो गया है और संभावना ये है कि 2-3 दिन तक उन लोगों की रिपोर्ट आ जाएंगी। और जिन जिन लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट आती जा रही है उनको हम मैरिज गार्डन या जहाँ पे क्वारंटाइन हाउस में हमने रखा था उन्हें छोड़ना शुरू कर देंगे हम। तो सर कितने लोगों की जांच आना अभी बाकी है और कितने सेंटर्स जो हैं अभी वहाँ कितने लोग हैं? अच्छा जो सेंटर्स हैं हाँ। अभी इनमें से हम करीब 500 लोगों की छुट्टी कर चुके हैं और लगभग 1000 के करीब लोग अभी भी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। अच्छा कितनी और जांचें अभी पेंडिंग में हैं जो आने वाली है? लगभग 300 करीब जांचें अभी पेंडिंग में हैं जो जिनकी रिपोर्ट अवेटेड है। आपको क्या लगता है क्या स्थिति में अब सुधार आ रहा है या लोग नए लोग जैसे कल 9 व्यक्ति ही आए हैं आपको क्या लगता है स्थिति सुधर रही है क्या नए मरीज और आएंगे जहां आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं वहां से? देखिए अभी तक जहां स्क्रीनिंग का कार्य हो रहा था या सर्वे का कार्य हो रहा था वो वही स्थान थे जो हमारे कंटेनमेंट एरिया थे यानी कि जहां पर पहले मरीज निकले थे और जिन्हें हमने एपी सेंटर बनाया था उनका पूरा सर्वे लगभग हो गया है। अब इनके साथ में लगे हुए वार्ड का से शुरुआत करके हम पूरे शहर का सर्वेक्षण और स्क्रीनिंग कराने जा रहे हैं। जहां ज्यादा संभावना थी वहां से लगभग सारे सैंपल्स ले लिए जा चुके हैं और रिपोर्ट भी आ चुकी है। पिछले 2 या 3 दिनों का अपन अगर ट्रेंड वायरल किया था मेडिकल स्टूडेंट ने सर उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। जी मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि थोड़ा वर्क लोड बहुत ज्यादा था इंदौर के ही 500 से अधिक सैंपल हो रहे थे उस वक्त घनी बस्तियों में तो और अन्य जिलों से भी सैंपल्स आ रहे थे इन कारणों से हमारे कुछ बैकलॉग बढ़ गया था लेकिन अब ये बैकलॉग लगभग समाप्त हो गया है और संभवतः अब 1 या 2 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। थैंक यू सर। दर्द कैसा है?